दिल्ली और गोंडा के लिए इस टाइम की दो सबसे बड़ी खबर। पहली खबर दिल्ली की बात करते हैं। दिल्ली में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, तो अब इसकी चपेट में दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया भी आ चुके हैं। उनको कोरोना हो चुका है और इसकी पुष्टि उन्होंने खुद की है। यह दिल्ली के लिए एक बड़ी खबर है और बुरी खबर भी है, क्योंकि कोरोना के मामले जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, अब दिल्ली के लिए भी खतरा बढ़ता जा रहा है। मामले दिन पे दिन लगातार डबल संख्या में बढ़ रहे हैं। इसके साथ साथ गोंडा विधानसभा की एक बड़ी खबर है। पूनम चौहान, साहब सिंह चौहान जी की पुत्रवधु, उनको भी कोरोना हो गया है। इसकी पुष्टि भी उन्होंने खुद की है और पिछले दो दिन से वो अपने घर में अपने आप को आइसोलेट किए हुए हैं। कई दिन से लगातार भी वो लोगों के संपर्क में थे, मगर जैसे ही उनको इस चीज़ की खबर लगी, उनको लगा कि हाँ मुझे ऐसा टेस्ट में क्लियर हो गया है, तब से उन्होंने अपने आप को अपने घर में बंद कर लिया है और पूरी सेफ्टी ले रहे हैं। यानी गोंडा विधानसभा के लिए और दिल्ली के लिए ये दो बड़ी खबर है और दिल्ली और गोंडा के लिए ये बुरी खबर भी है। जिस तरीके से कोरोना महामारी फैलती जा रही है, अपने आप को भी अब हमें बचाना है और दिल्ली की इस महामारी से दिल्ली को भी सेफ रखना है। न्यूज़ भारत टीवी दिल्ली।